Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the basic electricity topic from basic science and engineering drawing book. तो आपको जो रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन का सेकेंड स्टेज का जो पेपर होने वाला है, मैं उसका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है मैं उसको कवर करा रहा हूँ। अगर इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर आप जाकर देख लें, क्योंकि दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आपको ये सब लेक्चर समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें, कमेंट करें। चलिए, तो हमने इससे पहले रेजिस्टर पढ़ लिया है, ओम्स लॉ पढ़ लिया है, कूलम्स लॉ पढ़ लिया है, करंट डेंसिटी पढ़ रखा है, और वोल्टेज करंट के डेफिनेशन वगैरह पढ़ रखा है, पावर पढ़ रखा है। तो अब हम बढ़ते हैं कैपेसिटर की तरफ। तो कैपेसिटर में हमने सीरीज और पैरेलल में दोनों में पढ़ा था। सीरीज के फॉर्मूले हमने डिस्कस कर रखे हैं। सीरीज का आप देख सकते हैं कि क्या था, मैंने बताया था कि सीरीज में जो कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रजिस्टर का अपोजिट होता है। क्या होता है जी? रजिस्टर का अपोजिट होता है। जो रजिस्टर का फॉर्मूला है सीरीज में हो, इसमें क्या हो जाता है, पैरेलल में आ जाता है। वो पैरेलल क्या है, इसमें फॉर्मूला पैरेलल में हो जाता है, और उसका जो पैरेलल का फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, सीरीज में हो जाता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है केवल रजिस्टर वाला, और उसी को उल्टा कर देना है कैपेसिटर में। और इंडक्टर का तो फॉर्मूला हमें ऐसे भी याद नहीं करना है, क्योंकि इंडक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो लड़के बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जो इलेक्ट्रो मैकेनिक्स लिए हैं या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लिए हैं, तो प्लीज वो इन सब लेक्चर को भी देखें, इंडक्टर वाले टॉपिक को भी कवर करेंगे, क्योंकि उसमें कवर करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है सीरीज का, पैरेलल का। मैं एक बार फिर से रिविजन करा देता हूँ कि अगर कैपेसिटर देखिए क्या है, करंट सेम जा रहा है तो क्या है, सीरीज में है, करंट सेम जा रहा है। इसमें अगर करंट आई जाएगा तो इसी से पास होकर जाएगा, इससे ही पास होकर जाएगा, इससे पास हो जाएगा। तो करंट अगर सेम है सब में तो क्या है, सीरीज में है। अगर वोल्टेज सेम होगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा। देखिए, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है, तो ये क्या है, पैरेलल में है। हमको सीरीज और पैरेलल में छांटना है। इसी तरह छांट के हम सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं एक बार फिर से रिविजन करा रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर करंट सेम है तो इसको सीरीज में बोलते हैं, अगर वोल्टेज सेम है तो क्या बोलते हैं, पैरेलल में पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो हमने पढ़ना है। तो अगर आज हमने मिलकर आपको रजिस्टर का और कैपेसिटर का भी करेंगे, इसके बाद हमने करंट डेंसिटी पढ़ लिया था। तो आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं किस पे, तो रजिस्टर पे और कैपेसिटर पे। अगर मानते हैं कि हमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये रजिस्टर आर ओम है, आर वन कितना ओम का है, तो 5 ओम का है। ये क्या है, आर टू है, कितने ओम का है, 10 ओम का है। इसके साथ एक रजिस्टर आपको आर थ्री दिया है, कितने ओम का दिया है, अगर ओम छूट भी जाता है तो आप मान लीजिएगा कि ओम यूनिट है सबका, 15 ओम है। इसके एक पैरेलल में क्या दिया है जी, तो 15 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आर ए बी निकालना है, क्या निकालना है जी, आर ए बी निकालना है, क्या निकालना है, आर ए बी। तो आर ए बी की वैल्यू बताए, मतलब है कि ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट बताना है। अब देखिए, यहां से करंट आई जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज में है। यहां से करंट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सेम करंट है तो क्या है, सीरीज में है। अब यहां पे करंट बढ़ जाएगा, यहां पे करंट बढ़ जाएगा तो क्या है जी, सीरीज में तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे, वोल्टेज सेम है तो क्या मिलेंगे, वोल्टेज सेम है तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया, पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। और ये क्या है, उसके बाद तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा 5 ओम का है रजिस्टर, ये मेरा क्या हो जाएगा, 10 ओम का रजिस्टर हो जाएगा, ये मेरा ए पॉइंट है। इस दोनों को हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है जी, तो आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2, तो क्या हो जाएगा, 1/15 + 1/15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/15 1/R इक्विवेलेंट। तो अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 15/2। यानी इस दो रजिस्टर को हम हटाकर क्या लिख सकते हैं, 15/2 रजिस्टर लिख सकते हैं, तो 15/2 ओम, ठीक है। ये मेरा बी पॉइंट आ गया। अब देखिए,
अब यहां से अगर करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा तो सेमी करंट जाएगा, तो अब मेरा क्या हो गया, सीरीज में हो गया। जैसे ही सीरीज में हुआ मेरा काम आसान हो गया। क्या करना है हमको, जो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है, जो हमको सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है, हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जो हमको सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है उसको क्या करेंगे जी, हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, सीरीज वाला फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, तो 5R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, R1 + R2 + R3। तो R1 क्या है जी, 5, 10 और 15/2, 15 7 7 22 45/2। देखिए मैं कैलकुलेशन को स्किप कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कैलकुलेशन को आप देख लीजिएगा, लेकिन कम से कम इतना समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन आपको एक है, एक 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है जी, एक 10 ओम का रजिस्टर है, ये क्या है, 10 ओम का रजिस्टर है, और क्या है, 15 ओम का रजिस्टर है, मेरा बी पॉइंट है, मेरा ए पॉइंट, ठीक है जी। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया ये मेरा सी पॉइंट आर, ये मेरा डी है, क्या पूछा गया, आर ए डी निकाले। क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है मैं इसी क्वेश्चन में दो चार क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखिए आर ए डी बताना है, आर मतलब रेजिस्टेंस किसके क्रॉस, ए डी के क्रॉस, रेजिस्टेंस किसके क्रॉस बताना है, तो डी सी के क्रॉस बताना है, रेजिस्टेंस किसके क्रॉस बताना है जी, रेजिस्टेंस सी बी के क्रॉस बताना है, रेजिस्टेंस किसके क्रॉस बताना है, डी बी के क्रॉस बताना है, रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस बताना है। तो हमने इतना सारा क्वेश्चन लिया, एक ही में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को लिए हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल बनाते वक्त हमको यह ध्यान रखना है कि ओम का यूनिट क्या होता है, सॉरी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जी, ओम होता है, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस जब भी आएगा क्या आएगा, ओम ही यूनिट आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, और इसको मैं बताऊंगा कि आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और क्या करें, आप अपने से सॉल्व करें और उसके बाद आंसर मेरे से मैच करा लें। तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, और आप या आप वीडियो पॉज कर दिए और मैं फिर से इसको सॉल्व कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले पार्ट में डिस्कस करते हैं, हमें आर ए डी निकालना है जी। तो हमारा आर ए और डी मेरा ये पॉइंट है, इसके क्रॉस हमें निकालना है। तो आर ए डी के क्रॉस देखिए कितना ओम है जी, 5 ओम का रजिस्टर है। आर ए डी के क्रॉस कितना ओम का रजिस्टर है जी, तो 5 ओम का रजिस्टर है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा क्या है जी, 5 ओम का रजिस्टर है। तो हमको 5 ओम का निकालना है फिर। तो आर ए डी हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आर ए डी क्या है, 5 ओम निकाल, क्योंकि ए डी के क्रॉस 5 ओम है और 5 ओम को हमका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, हम निकालना है आर डी सी। देखिए आर डी सी निकालना है जी। अब देखिए डी सी के क्रॉस क्या है, ये 10 ओम है, 10 ओम का रजिस्टर है। तो हम इसको क्या करते हैं, आर फॉर आर डी सी के लिए क्या करेंगे जी, तो डी मेरा पॉइंट यहाँ पे है, मेरा सी पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे क्या है जी, चलिए आप लोगों में सुविधा के लिए सी नीचे ही बनाता हूँ। ये क्या है, 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा है, 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा है, 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा है, ये मेरा डी पॉइंट है, मेरा सी पॉइंट, ठीक है जी। तो देखिए हमें आर डी सी निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से करंट अगर चलेगा तो क्या है जी, दो पार्ट में भर जाएगा, तो क्या है, सीरीज में तो नहीं है। बात करते हैं पैरेलल के, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, इसके इसके क्रॉस क्या है, वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल है। तो जैसे ही वोल्टेज सेम हुआ, वोल्टेज सेम हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल का लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, समानांतर का लगाएंगे, समानांतर का, ठीक है। तो समानांतर वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2, 1/10 + 1/10। देखिए दोनों वैल्यू का क्या है, 10 है ओम, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2/10 1/5। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/5, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उल्टा है तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ओम। तो हमको क्या मिला, आर डी सी मिला, ये किसके क्रॉस निकाले थे हम, आर डी सी के क्रॉस, किसके क्रॉस निकाले थे, डी सी के क्रॉस, कितना हो, 5 ओम। देखिए
समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसी को बनाना है क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा ही आ रहा है। ऐसा आपको न्यूमेरिकल आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैं उसको बताऊंगा कि वो किस तरह लिखा गया था। इसको मैंने बहुत सिंपल बोल दिया है, लेकिन उसको उसने क्या किया था, लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है ना जी। तो उसको क्या किया है, उसने लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन उसने बुक में इसको लिखा जरूर है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है लैंग्वेज की वजह से क्या होता है, टफ हो जाता है। कुछ क्वेश्चन क्या है जी, लैंग्वेज की वजह से टफ हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को हमको समझना है और बनाना है। उस क्वेश्चन में आपको, मैं अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले रहा हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। तो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन भी देखते रहिए, क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डिस्कस कीजिएगा, नहीं देखिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और फालतू चीज़ें आप यूट्यूब से वगैरह से पढ़ते रहेंगे। क्लास में टीचर भी क्या है जी, किसी को भी ये नहीं देख रहे हैं कि आईटीआई का जब सिलेबस दिया गया तो आईटीआई से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आईटीआई का आप नेमी पैटर्न का जो बुक है आप उसको लाएं और उसी से आपको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वही एक बेस्ट तरीका है और वही एक लेवल डिसाइड करेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए जी, हमारा आरईडी हो गया, आरडीसी हो गया, हमारा दो पार्ट हो गया, आरईडी हो गया, आरडीसी हो गया। अब आरसीबी निकालना, आरसीबी इमेज में देख सकते हैं जी, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरसीबी के अगर उसका एक ही होम है तो आरसीबी डायरेक्ट यहां से देख के क्या बोल सकते हैं कि आरसीबी का वैल्यू क्या है जी, 15 ओम का, ठीक है। देखिए आरसीबी का वैल्यू क्या है जी, 15 ओम है। इतना इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, इतना इंपॉर्टेंट समझ में आ गया आरसीबी क्या है जी, तो 15 ओम है। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपने यहाँ पे अच्छे से समझ रखा है। अब बात कर रहे हैं जी आरसीबी क्या है, 15 ओम। अब देखिए हमको निकालना क्या क्या था, आरईडी हो गया, आरडीसी हो गया, आरसीबी हो गया, आरडीबी निकालना है जी। आरडीबी हमारा अभी नहीं निकला, चलिए आरडीबी क्या है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आरडीबी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, देखिएगा आरडीबी क्या है जी, यहाँ से यहाँ। तो चलिए आरडीबी के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं आरडीबी के लिए, और आरडीबी के लिए देखिए आरडीबी के लिए हम चलेंगे तो क्या मिलेगा, आरडीसी मिलेगा, आरडीसी मिलेगा हमको, आरडी और सी। तो आरडीसी हमने निकाल रखा है उसका यूज करेंगे ना जी, तो आरडीसी मिलेगा हमको। देखिए आरडीबी के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर डी और सी। तो हमारा डी पॉइंट से स्टार्ट हुए, सी पॉइंट यहाँ पे आ गए, फिर से सी से बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे, बी पे बढ़ेंगे जी। तो ये मेरा आर सी बी है, ये मेरा बी पॉइंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, आर डी सी आर डी बी हमको चाहिए। देखिए डी से हमको बी जाना है, तो डी से बी जाना है तो दो रजिस्टर हो गया, तो डी और सी है जी। आर डी और सी के बीच क्या है, आर डी सी हमने निकाल रखा है, आर डी सी हमने निकाल रखा है तो उसका यूज जरूर ना करेंगे जी। तो आर डी सी हम इसका यूज करेंगे, आर डी सी यूज करेंगे, तो 10 ओम, 10 ओम हमने निकाल रखा है, आर डी सी क्या निकाला है जी, 5 ओम। तो हम आर डी सी की जगह क्या लिखेंगे, 5 ओम लिखेंगे। अब बात करते हैं आर सी बी, आर सी बी क्या है जी, 15 ओम है। आर सी बी क्या है, 15 ओम है, तो आर सी बी को हम क्या लिखेंगे, बराबर 15 ओम। अब देखिए यहां से अगर करंट जाएगा तो यहां से पास होगा, फिर से वही करंट इससे पास होगा, तो क्या हो जाएगा, सेम करंट है, सेम करंट है, तो क्या हो जाएगा जी, सेम करंट है तो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर डी बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ओम प्लस 15 ओम, तो क्या हो जाएगा, 20 ओम। 20 ओम रजिस्टर हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर डी बी बराबर क्या हो जाएगा जी, आर डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 ओम। अभी तक अगर वीडियो को समझने में किसी को दिक्कत है तो प्लीज आप जाकर वीडियो को फिर से रिमाइंड कीजिएगा, एक एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को फिर से रिमाइंड कीजिएगा और एक एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है जी। अब आर डी बी हो गया, अभी क्या है मुझे, आर ए बी निकालना है, मेरा आर डी बी भी हो गया, आर ए बी निकालना है। आर ए बी है यानी ए से लेकर हमको बी तक जाना है जी, आर ए से लेकर हमको कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है। तो और इसका मतलब क्या हुआ, एक और ऐड हो जाएगा। चलिए हमको कहाँ से जाना है जी, आर, थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ आप उसको समझिएगा, हमको कहाँ जाना है जी, आर ए बी निकालना है। ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, डी पे जाएंगे, डी के बाद कहाँ से जाएंगे जी, सी पे जाएंगे, सी के बाद कहाँ जाएंगे, बी जाएंगे। तो आर ए डी,
आर डी सी आर सी बी, यही तो निकालना है। इसका वैल्यू क्या है जी, आर ई डी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, क्या है 5 ओम है, बराबर 5 ओम है, निकाल चुके हैं। इससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, दोबारा रिमाइंड करके देखिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा आर ई डी कैसे आया। आर डी सी हमने निकाल रखा है, आर डी सी कितना है जी 5 ओम है, आर डी सी क्या है 5 ओम है। आर सी बी हमने निकाल रखा है कितना है जी 15 ओम है, आर सी बी क्या है 15 ओम है, 15 ओम है। तो आप देख सकते हैं 15 5 20 5 25, तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बी बराबर आर ए डी प्लस आर डी सी प्लस आर सी बी क्या है 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 15 ओम क्या हो जाएगा 25 ओम, क्या हो जाएगा जी 25 ओम, आंसर क्या हो गया 25 ओम हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने क्या किया, हमको आर ए बी निकालना था, हमने क्या किया आर से ए से स्टार्ट किया, हमने ए से स्टार्ट किया, उसके बाद डी पे गए, डी से बाद सी पे गए, बी से गए, हमको जब ए से चलना है तो हम बी की तरफ जाएंगे। तो देखेंगे जैसे जैसे सॉल्व करना था हम पार्ट वाइज सॉल्व कर लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कितना अच्छा मेथड है, आप इस प्रॉब्लम को, इस वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। आप अगर थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, आप मेरे अगर वीडियो को थंबनेल देख पा रहे होंगे तो आप वहां से पता होगा आपको कि एक थंबनेल पर भी एक वीडियो दिया हो गया है, एक थंबनेल पे भी क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस थंबनेल पे जो वीडियो दिया गया है उसको भी आप सॉल्व करें, उस पर रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दी हुई है, उस पर आपको रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दी है और ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे आप थंबनेल पे, अब वीडियो के थंबनेल पे एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए मैं आपको देने के लिए वो भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, इससे कोई वो नहीं है, लेकिन आप वीडियो के थंबनेल पे जाइए, ठीक है, आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में ही क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर क्या कीजिए कमेंट करिए, आंसर क्या कीजिए कमेंट कर दीजिए। और चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, किसका था तो रजिस्टर का था। अगला हम क्वेश्चन किससे लेंगे जी, अगला क्वेश्चन हम कैपेसिटर से लेंगे, किससे लेंगे तो कैपेसिटर से लेंगे। मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि कल हमने एक रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर सॉल्व किया था, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाएं, इस क्वेश्चन को क्या करें जी आप अपने से बनाएंगे और क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपने से बनाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके आप अपने से बनाएंगे और आंसर सॉल्व करके लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया था कि एक वायर है जी, एक क्या क्वेश्चन सुनिए, एक वायर है, इसका ओम कितना ओम है, ए इसका ओम कितना है जी, ये एल लेंथ का था, एल लेंथ का था, इसका 8 ओम रजिस्टर है जी, क्या है 8 ओम का रजिस्टर है। अब बोल रहा है कि इस वायर को क्या किया गया कि बीच से मोड़ दिया गया, इस वायर को क्या किया गया बीच से मोड़ दिया गया, क्या किया गया बीच से मोड़ दिया गया। तो बीच से मोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा जी, ऐसे और ऐसे, तो बीच से मोड़ेंगे तो आधा ओम इधर हो जाएगा, 4 ओम, 4 ओम इधर हो जाएगा, और बीच से मोड़ने देने के बाद बोल रहा है कि दोनों छोरों के बीच रेजिस्टेंस की वैल्यू बताए, दोनों छोरों के बीच रेजिस्टेंस की वैल्यू बताए। मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 8 ओम देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द इफ द वायर इज फोल्डेड इफ मिडिल हाफ ऑफ इट्स एंड मेकिंग दिज एंड्स। बोल रहा है कि अगर इस रजिस्टर को 8 ओम का रजिस्टर है, इसके मिड पॉइंट को क्या करेंगे जी, मिड पॉइंट से इसको क्या करेंगे फोल्ड करेंगे और उसको सिरा बनाएंगे, दो सिरा बनेगा, तो दो सिरा बन गया, क्या बन गया दो सिरा बन गया, तो 4 ओम ही हो गया, 4 ओम ही हो गया, ठीक है जी। अब बोल रहा है कि इन सिरों के बीच जो रजिस्टेंस वैल्यू होगा क्या होगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए, एक 8 ओम का रजिस्टर है, इसको पकड़िए और इसके मिडिल पॉइंट से हमने क्या किया खींचा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों छोरों के साथ मिल जाएगा और ये हाफ आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमने उसी को बना रखा है कि ये आधा जो आया यहाँ से आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा, ये भी 4 ओम हो जाएगा, तो ये 4 ओम में 4 ओम। अब इस दोनों छोरों को मिला दिया गया और इसे दो सिरा बन गया, अब ये दो सिरा बना तो इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है, यानी आर ए बी निकालना है। देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है, बट देखिए क्वेश्चन देने वाले ने क्या किया है,
क्वेश्चन देने वाले ने क्या किया है कि उसको थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा दिया है। आपको भी पता होगा कि जब हम लोग बी पॉइंट में जा रहे हैं, जब हम लोग बी पॉइंट में जा रहे हैं तो उधर हमें क्या करना पड़ रहा है जी। देखिए सीबीटी वन में आपको भी पता है कि कुछ दिनों बाद क्या हुआ था, लेवल ही बढ़ रहा था। लेवल कैसे बढ़ाया जा रहा था, तो लैंग्वेज से बढ़ाया जा रहा, तो वही है। यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं रहेगा लेकिन उसको लैंग्वेज की वजह से क्या किया जाएगा, उलझा दिया जाएगा। वही क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन रहेगा उसको उलझा दिया जाएगा। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें कि आपको हिंदी में समझना है, इंग्लिश में समझना है, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं तो सबसे कहूंगा कि कम एटलीस्ट डेली दो टेस्ट लगाएं, एटलीस्ट डेली दो टेस्ट लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस भी बनेगा और स्पीड भी रहेगा। आपको भी पता है कि सेकंड स्टेज में अगर कम नंबर आता है तो आपको जॉब की जॉब खतरे में पड़ सकती है, तो प्लीज आप स्पीड मेंटेन रखें। और यहाँ पे तो आपको पॉइंट पॉइंट का भी क्या है, कंपटीशन है, पॉइंट पॉइंट के नंबर के भी ऐड होंगे। चलिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इसमें क्या है जी, समझना ही मेन इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब आर ई बी निकालना है, तो आर ई बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी। ये देखिए करंट अगर मान लीजिए ऐसे है, क्या है ऐसे है, 4 ओम का ये रजिस्टर है, ये भी 4 ओम का रजिस्टर है, ठीक है जी, 4 ओम का ये है, 4 ओम का ये है, ये और बी पॉइंट है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल फॉर्मूला लगाएंगे। पैरेलल क्यों है जी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है। इसके क्रॉस वोल्टेज और इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है। तो जैसे वोल्टेज सेम हुआ तो क्या लेंगे, वोल्टेज सेम हुआ तो क्या हो जाएगा जी, पैरेलल हो जाएगा, समानांतर, समानांतर, समानांतर हो जाएगा। समानांतर जैसे होगा तो आर ई बी यानी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2। तो आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/4, क्या हो जाएगा जी, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। तो 1/RAB बराबर क्या हो जाएगा जी, 1/2। तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आप देख लीजिएगा, उपकार पब्लिकेशन का हो या आपको स्पार्क पब्लिकेशन का है, तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट आया। तो क्वेश्चन समझिए और देखिए, आपको तो भी पता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया गया, यहां तक कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोशियन का मतलब सीबीटी 2 का भी पेपर हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन को डिस्कस भी नहीं कराया गया। जिस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया, जिस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया, उस क्वेश्चन का डिस्कस तक नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो देखिए समझिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, कौन से क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, इस बात को समझिए। और अगला एग्जाम्पल हम लेकर आते हैं, चलिए।